लंबे समय से रुकी हुई सेना की भर्ती को शुरू करने से पहले केंद्र सरकार द्वारा अग्निपथ योजना लागू की गई है। अग्निपथ योजना की घोषणा के बाद से देश भर के युवाओं में आक्रोश देखने को मिल रहा है। इसी के चलते बाजपुर के भगत सिंह चौक पर सेना की भर्ती की तैयारी कर रहे युवा एकत्र हुए। जहां युवाओं ने केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई अग्निपथ योजना का विरोध किया और सरकार से योजना को वापस लिए जाने की मांग की। हमारी यही मांग है कि ये टीओडी भर्ती को खत्म करके नए सिरे से, जिस तरह से पुरानी भर्तियां होती थी उस तरीके से वो भर्तियां होनी चाहिए। सर, अगर कोई भी बच्चा 4 साल के लिए जाएगा उसके बाद वो क्या करेगा अपनी जिंदगी में, उसके ये भी जवाब चाहिए हमको। 4 साल बाद बोल रहे हैं 25% को परमानेंट करेंगे। एक सैनिक 4 साल में तो कोई तैयार होता नहीं है। 4 साल के लिए इन्होंने परमानेंट करने के लिए बोला है सर, तो 4 साल बाद हम कहाँ जाएंगे? हम जो युवा होते हैं सर, 3 साल की NCC करते हैं, 6-6 साल से मेहनत करते हैं अपनी सेना भर्ती के लिए, 6-6 साल से दौड़ते हैं। अगर हमें ये पता होता तो हम 4 साल के लिए अभी कभी तैयारी नहीं करते सर। इन्होंने 2-3 साल से कोई भर्ती नहीं दे रखी है, उम्र में कोई छूट नहीं दे रहे हैं। अब इन्होंने 17.5 से 21 साल तक नोटिस पास किया है कि 17.5 से 21 साल गएंगे। जो युवा यूपी में अभी 3-3 साल से कोई भर्तियाँ नहीं हुई है, वो तो बिना भर्ती मारे ही ओवर एज हो चुके हैं। उनके माँ बाप पर क्या गुजर रही है सर? उन बच्चों की भी कुछ सुनवाई की जाए, उनके लिए भी कुछ ना कुछ सर सुनवाई की जाए। साथ ही युवाओं ने केंद्र सरकार से भर्ती प्रक्रिया न होने पर भर्ती की तैयारी कर रही युवाओं को छूट देने की मांग भी की है। भारत सरकार के द्वारा TOD का जो फैसला लिया गया है, हम उसके विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि हमें वो मंजूर नहीं है। क्योंकि अभी आर्मी भर्ती का पिछला एग्जाम नहीं कराया गया है, उसको कैंसिल कर दिया है डायरेक्ट इन्होंने, और जो लॉकडाउन की वजह से भर्ती नहीं आई थी 2-3 साल से, उसकी हमें आर्मी में छूट नहीं दे रहे हैं। तो हम क्या करेंगे? हमारे साथ 4-5 कई लड़के हैं, कई राज्यों के लड़के हैं जो बिना भर्ती मारे ओवर एज हो गए हैं, उनका क्या होगा? हम ये अपनी मांग रखना चाहते हैं और जो पुरानी भर्ती की प्रक्रिया है वो लागू होनी चाहिए। हम बस, हमारी इतनी मांगे हैं। वही आपको बता दें कि बाजपुर के अलावा देहरादून में भी अग्निपथ योजना का विरोध देखने को मिला है। युवाओं ने यहाँ पर सरकार से योजना को वापस लेने की मांग की है। मैम, युवा 17.5 से कम से कम 24 साल तक भर्ती होगा, उसके बाद आगे क्या करेंगे? पहले प्रायोरिटी तो युवा लोगों में देंगे, 4 साल से यही की तैयारी करें, उन्हें सिविल में लोग उनको तोड़ना देंगे, उनको तो आर्मी की ट्रेनिंग देंगे ना, इसकी वो ट्रेनिंग तोड़ना देंगे कि बाहर कैसे जॉब करना है, कैसे तुमने बाहर बाद में अपना घर चलाना, इसकी ट्रेनिंग तोड़ना देंगे, उसमें तो बंदूक चलाने की ट्रेनिंग। न्यूज स्टूडियो उत्तराखंड के लिए बाजपुर से गौतम चुनारा की रिपोर्ट।